हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं हूं राज और आप देख रहे हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएसएम यानी कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत लोगों ने कहा कि सर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर यानी कि आईएसएम के ऊपर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए एग्जाम आने वाला है तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं तो आज जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ठीक है और ये बताना मत भूलना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा तो फटाफट चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेसन वन से तो लेसन वन से हमें क्या पढ़ना है लेसन वन से सबसे पहले हमें पहले पढ़ना है वट इज इन्वेस्टमेंट क्योंकि चैप्टर का नाम ही इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल से एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ एन आइडियल इन्वेस्टमेंट वट आर द वेरियस एवेन्यूज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन देम ब्रीफली वाट आर इक्विटी शेयर्स एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये आप लोग को पढ़ने हैं वाट आर प्रिफ्रेंस शेयर्स एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिवेंचर के बारे में पढ़ना है उसके फीचर्स उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो ये सब आपको पढ़ने हैं बॉन्ड्स वाट आर बॉन्ड्स फीचर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ना है और इसके फीचर्स के बारे में पढ़ना है उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट डिस्टिंगज बिटवीन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट वही वापस दोबारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में अच्छे से राइट अ ब्रीफ नोट डूज एंड डोंट्स इन स्टॉक मार्केट हुट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स इन स्टॉक मार्केट डिस्टिंगज बिटवीन लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर वाट इज सेवी एक्सप्लेन डिटेल एक्सप्लेन इन डिटेल ठीक है डिटेल में एक्सप्लेन करना है वेरियस फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ सी प्राइमरी मार्केट क्या है मैंशन करो उसके फीचर्स सेकेंडरी मार्केट क्या है मैंशन करो उसके फीचर्स शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने हैं आई पी ओ एफ पी ओ के बारे में पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट बी एस सी एन एस सी एम सी एक्स इन्वेस्टमेंट के बारे में डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर शेयर्स एंड बॉन्ड शेयर्स एंड स्टॉक्स के uh, भी बारे में पढ़ना है मीनिंग पढ़ना है डिफरेंस पढ़ना है तो फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों को इतना ही पढ़ना है सेकंड चैप्टर से स्टॉक एनालिसिस एंड वैल्यूएशन वट इज ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ना है ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन स्टॉक मार्केट मैंशन द कॉमन स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ऑनलाइन वाट इज कंपनी एनालिसिस एक्सप्लेन द वेरियस टूल्स यूज फॉर एनालिसिस इन द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ कंपनी वॉट इज़ फंडामेंटल एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस पढ़ने आपको लिमिटेशन पढ़ने वॉट इज टेक्निकल एनालिसिस वॉटर इट्स एजम्पन मैंशन द मैरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस मैंशन द फोर रेशियोज जनरली यूज बाई इन्वेस्टर टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ लेना इस साल के लिए वॉट आर पॉइंट्स टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल्ड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए कंपनी राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द पॉइंट दैट आर टू बी टेकन इंटू कंसिडरेशन वाइल्ड टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट नोट टिकने आपको पढ़ने आपको पीई रेशियो हाई पी ई रेशियो लो पी ई रेशियो के बारे में वैल्यूशन ऑफ स्टॉक मूविंग एवरेज इन टेक्निकल एनालिसिस डी मार्ट अकाउंट डी मार्ट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जैसे हम लोग शेयर्स परचेस वगैरह बाई करते हैं ट्रेड इंट्राडेट ट्रेडिंग क्या है पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है लॉन्ग टर्म इवेस्टमेंट क्या है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निक अलिलिसिस के बीच में डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एलाइसिस टेक्निकल एनालिसिस ये डिफ्रेंस बिटवीन पढ़ोगे तो ये दोनों खुद बखुद हो ही जाएगा ठीक है फिर थर्ड चैप्टर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या है उसके फीचर्स उसके बाद उसके एडवांटेजेस डिसएडवान्टेजेस देखो दो दो बार आ चुका है 2019 में भी आ चुका है 20 में भी आ चुका है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ना है अच्छा से ठीक है फैक्टर्स रेट टू बी कंसिड वाइल सेलेक्टिंग ए म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड आप अगर कंसिडर करते हो तो उसको कौन सा कौन सा ऐसा फैक्टर आप ध्यान में रखोगे ठीक है वाट इज क्रिसिल एक्सप्लेन करो वेरियस एडवांटेजेस राइट ए नोट ऑन ब्रीफ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डेट मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया उसके बाद शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ना है स्पॉन्सर्स ट्रस्टीज ए एम सीज कस्टोडियन उसका ये सब सारे शॉट नोट्स हैं अच्छे से पढ़ लें आपको ओपन एंड क्लोज एंड है ना लोड फंड नो लोड फंड चौथा चैप्टर यानी कि अंडरस्टैंडिंग डेरेवेटिवस यहाँ से आपको क्या पढ़ने वाट आर डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वाट आर इट्स वेरियस टाइप्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसके बीच में डिफ्रेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसके यूजेस कैसे हैं फिर ऑप्शन इन डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड पुट ऑप्शन स्वैप क्या है वेरियस टाइप्स ऑफ स्वैप्स आर कॉम्यूनिटी डेरेवेटिव्स तो ये सब पढ़ने हैं आपको आर करेंसीज डेरेवेटिवस शॉर्ट नोट्स में आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में फ्यूचर एंड ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो ये सब है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पढ़ने हैं ठीक है इतना पढ़ लोगे ना तो काफ़ी है इतना पढ़ लोगे और इसका लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे, रह, दे दे रहा हूँ आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना फिर भी अगर कोई डाउट या दिक्कत रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्टली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल रहता हूँ और वहाँ पर हेल्प भी कर दूँगा कोई टेंशन वाली बात नहीं इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय